हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन गुरपुष्प ऑफिशियल। पिछले 2-3 दिन से बहुत ही तेज़ बारिश लगी हुई है दिन रात। मौसम तो बहुत ठंडा हो गया है, तो ये देखिए अभी भी बहुत बारिश हो रही है। अभी आफ्टरनून हो गया है, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, तो अभी मैंने लंच भी बना लिया है। मैं लंच करने वाली हूँ, अदरक को मैंने सुला दिया था। ये देखिए आधा मैंने लौकी बनाई है लंच में, और इसके साथ मैं ले रही हूँ जलेबी। किस किस को ऐसे खाना पसंद है? कभी कभी मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं मार्केट गई थी तो फिर लेके आई वहाँ से जलेबी, गर्मा गर्म बन रही थी। और मुझे ऐसे ना साथ साथ में खाना बहुत पसंद है। मुझे कमेंट करके बताना आप में से किस किस को ऐसे पसंद है खाना। बस पीछे रो सो ना, पीछे वो थले मूंगी, वो थले ना मूंगी, वो थले वो देख, सड़क ते देख, सड़क ते वो दे मूंगी, वो बेबी लेके जा रहे हो मूंगी, वो देखी वो देखी देखी मूंगी, वो देखी किन्ने वो पीछे भी है अभी मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ विद हेयर केयर ऑयल। ये काफ़ी अच्छा ऑयल है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है। लास्ट 2-3 मंथ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा ऑयल है, मैंने देखा है इससे मेरे बालों की ना बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है, और ये नॉन स्टिकी है। गर्मियों में आप अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई आपको मतलब भारीपन नहीं लगेगा अपने बालों में ना। तो मैं तो कभी कभी ऐसे करती हूँ कि इसको लगा लेती हूँ नहाने से पहले एक दिन, और फिर ओवरनाइट रख के अगले दिन बाल धो लेती हूँ। बीच बीच में जब वेदर वगैरह ठीक हो, थोड़ा ठंडा वेदर हो, तो मैं फिर 3-4 दिन भी ऑयल लगा रहने देती हूँ बालों में। इससे क्या है, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। आपने मेरे पिछले किसी ब्लॉग में देखा होगा, मेरे ना बाल बहुत ही छोटे हो गए थे और पीछे से बहुत पतले हो गए थे, तो मैंने ना यू कट करवा लिया था। तो अभी मेरे बाल काफ़ी बढ़ गए हैं, मैंने देखा है इस ऑयल से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो तेल लगाते वक्त मुझे मम्मी की याद आ रही थी कि मम्मी बालों में तेल लगाते होते थे। कोई दूसरा तेल लगाता है ना, आपको बड़ा आराम मिलता है। वैसे तो कभी कभी मैं अपने हस्बैंड से भी लगवा लेती हूँ, तो जो दूसरे के हाथ से मजाज होती है ना हेड की, उसका अलग ही मज़ा होता है। और माँ के हाथ की तो बात ही क्या है, तो माँ होती तो ऐसा होता, माँ होती तो वैसा होता, वही वाली बात है। मैं नदर से भी बातें करती हूँ, अगर नानी होती तो तुम्हें ऐसे करती, ऐसे करती, नानी अपना लाड करती। तो अभी जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, मेरी मम्मी ना 6 ईयर पहले उनकी डेथ हो गई थी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो बात बात पे उनकी याद आती है कि अगर वो होती तो ऐसा होता। हमारी ज़िंदगी की गाड़ी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है, जाने वाला वापस नहीं आता। पहले महीने होते हैं, फिर साल हो जाते हैं। तो ये देखिए, जब कभी आप मीठा लाएं और उसके बाद फिर आपको कहीं से गिफ्ट भी आ जाए, तब फिर डबल झंझट हो जाता है। और आप मीठा अवॉइड कर रहे हो उसमें तो और भी ज़्यादा। आज मैं डिनर में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ अफ़गानी पनीर की रेसिपी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर देखिए, और मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि मैंने कौन सी गलतियाँ की इसको बनाते वक्त। जब आप फर्स्ट टाइम कोई रेसिपी ट्राई करते हो तो ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, तो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने देखिए, ये मैंने धनिया लिया था, प्याज, अदरक और लहसुन लिया था, 2 हरी मिर्च, और इसको मैंने अभी ना पीस लिया है। यहाँ पे मैंने गलती की, नमक को मैंने अभी नहीं ऐड करना था, बिकॉज़ मैंने नमक ऐड कर दिया, उसकी वजह से प्याज और धनिया ने भी अपना पानी छोड़ दिया। तो ये जो मेरा पेस्ट था ना, ये बहुत ही रनिंग बना, मतलब पतला बन गया था। आपका पेस्ट है ना जो थिक होना चाहिए। उसके बाद फिर इसमें मैंने दही ऐड किया, थिक पेस्ट बनना चाहिए आपका। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि नमक उसी टाइम ऐड कर दिया। नमक आप बाद में ऐड कर सकते थे, पेस्ट बनाने के बाद आप ऐड कीजिए नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप। और इस ग्रेवी को ना मैं थोड़ा वाइटिश बनाना चाहती थी, तो दूसरी गलती जो मैंने इसमें की है वो ये की है कि मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा धनिया ले लिया। मुझे कोरिएंडर जो लीव्स हैं वो थोड़े कम लेने चाहिए थे,
और दही थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए था ताकि वो वाइटिश ग्रेवी आती, मैं वाइटिश बनाना चाहती थी, पर ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसा बना है तो टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐड किया थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, हल्दी थोड़ा सा और नमक ऐड किया है, और ये ऐड किया है धनिया पाउडर। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि धनिया मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऐड कर दिया। हाँ, क्योंकि मेरे माइंड में वो था ना कि मैं वाइटिश ग्रेवी में बनाऊंगी, तो फिर वो जब मैंने पेस्ट बना लिया और दही भी ऐड कर दिया, फिर मैंने सोचा कि अभी ये यूज़ तो किसी काम होगा नहीं, चलो अभी इस बार ऐसे ट्राई कर लेते हैं रेसिपी की, देखते हैं कैसी बनती है। पर यकीन मानिए, ये बहुत ही अच्छी बनी थी और खाने में भी बहुत यमी थी। ये देखिए कितना पतला पेस्ट बन गया ना ये, वो सिर्फ नमक डालने की वजह से। ये थोड़ा थिक होना चाहिए था, गाढ़ा गाढ़ा, जिसमें कि पनीर जो लिपट जाता अच्छे से। इसको ना अभी मैं मैरिनेट करने के लिए छोड़ रही हूँ पनीर को। इसमें मैंने नमक वगैरह सब कुछ ऐड किया, मसाले भी, इसी को हम मैरिनेट कर लेंगे। 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था, आप ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो। उसके बाद फिर हमने 1 घंटे के बाद इसको हमने ना ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है कि इसके ऊपर कोटिंग आ जाए, पनीर के दोनों तरफ ना ब्राउन ब्राउन सी कोटिंग आ जाए। और ये पार्ट भी बहुत ही ट्रिकी है भाई, जब आप पलटते हो ना पनीर को, कोई पीस तो आपका बहुत अच्छा निकल जाता है और कोई है ना वो मतलब नीचे लगा रह जाता है और ऊपर से पनीर उठ जाता है। तो ये भी ना बहुत ट्रिकी है, मतलब आपको प्रॉपर टाइम देखना पड़ेगा कि कब आपका जो पनीर है अच्छे से कुक हो गया हो और आप उसको पलटें। तो साथ ही मैंने यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है और जो मेरा बाकी मैरिनेशन बचा हुआ था मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें आपने कुछ नहीं डालना है, बस इस मैरिनेशन को ही आपने जो एक बनाई थी इसको ही आपने पकाना है अच्छे से। इस ग्रेवी को आपने अच्छे से, क्योंकि इसमें प्याज है, लहसुन है, अदरक है ना, तो आपने अच्छे से इसको घी में पका लेना है। नमक वगैरह हमने सब कुछ ऐड किया हुआ है, बाकी आप पे है आप कितना थिक रखना चाहते हो। वैसे ये ना लटपटा बनता है पनीर, तो आप देख सकते हो कि आपके पास कितना पनीर है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकाएंगे। तो ये देखिए अभी ये पनीर, जब मैंने इसको पलटा तो कोई कोई पीस तो बहुत अच्छे से आ गया और कोई जो पूरा वाइट वाइट ही आ गया, उसका जो ब्राउनिश पार्ट था वो पैन पे ही चिपक गया। तो ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, ये है मिस्टेक नंबर 3 जो मैंने की। मतलब ये भी एक लर्न करने की प्रोसेस है, मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया है, कभी आगे भी ट्राई करूँगी। फिर जब आप धीरे धीरे आप बनाते रहते हो तो फिर आपको आइडिया लग जाता है कि कितने टाइम में वो अच्छे से कोट हो जाता है ऊपर और अच्छे से उसको पलटा जाता है। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी कुक होके कितनी अच्छी हो गई है ना, ये थिक भी हो गई है, इसका वाटर भी रिड्यूस हो गया है और इसका थोड़ा सा कलर आपको थोड़ा चेंज लगेगा, क्योंकि जब धनिया कुक हो जाता है तो ऐसे लगता है। उसके बाद फिर हमने उसमें पनीर ऐड कर दिया था और उसको मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में मैंने रोटी बनाई और ये देखिए ये मेरी थाली बन के रेडी है। अच्छी बनी थी ग्रेवी, यकीन मानिए, आप एक बार बना के देखिए, ऐसे भी बहुत अच्छी बनती है अगर आप ज़्यादा धनिया वाली बनाना चाहते हो ग्रीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ से अभी नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने शावर ले लिया है, आज थोड़ा वेदर ठीक है, 2-3 दिन बारिश रही तो पूरा वो जैसे ह्यूमिडिटी हो गई थी पूरे इन्वायरमेंट में, आज थोड़ा सा वेदर ठीक है, बाहर हल्की हल्की धूप भी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कैसा वेदर है। आज हल्की हल्की धूप थी तो मैंने ना कपड़े भी फिर बाहर ही डाल दिए, थोड़ा सा 2-3 दिन से पंखे के नीचे ही कपड़े सूख रहे थे और थोड़े सिले सिले थे, और जो मैंने तह लगा के रखे थे उनको भी मैंने चेयर पे रख दिया था कि थोड़ा सूख जाएंगे तो फिर अच्छे से उनसे जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। हाथ लगाते थे ना तो ऐसे लग रहा था कि कपड़े ना गीले गीले हैं। तो ये मैट्स भी मैंने धोए थे तो मैंने सोचा इधर अच्छे से सूख जाएंगे। ये देखिए बादल तो हैं पर धूप भी है हल्की हल्की, तो आज थोड़ा मौसम खुल रहा है बट गर्मी तो बहुत है। ये देखिए अभी साथ साथ में मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। आज नदर के पापा की मॉर्निंग शिफ्ट थी, अभी वो ब्रेक में आने वाले हैं तो उनके लिए तो भिंडी पड़ी है, उनकी तो फेवरेट भिंडी है, भिंडी चाहे उनको जितनी मर्जी खिला दो। और मेरे लिए भी थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी पड़ी थी, पर नाइट में फिर मुझे सब्ज़ी चाहिए और उसके बाद इवनिंग में जब वो जाएंगे उसके बाद फिर नज़र के लिए मैंने कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना होता है खाने के लिए, फिर उसको खिलाना है और फिर
8 o'clock के बाद तो फिर उसका स्लीपिंग टाइम हो जाता है, 9 o'clock तक तो वो सो जाता है। तो फिर मतलब 6 o'clock से लेकर 9 o'clock तक तो मेरा पूरा टाइम उसके लिए ही होता है। तो ये देखिए अभी मैंने ना फिर झट से अभी से बना ली सब्ज़ी, रफली चॉप किया है ओनियन, तेल में डाला है एक हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक और हल्दी। प्याज को थोड़ा सा पकाने के बाद फिर उसमें टमाटर और अदरक को ऐड कर दिया है। जब टमाटर हल्का सा पक जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू और शिमला मिर्च। और साथ में मैं बना रही हूँ दही की लस्सी। ये मैंने दही लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ी सी काली मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और लस्सी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, वो आपने बाद में ऐड करना है, पहले एक बार उसको अच्छे से फेंट लेना है दही को। और ये देखिए थाली बन के हमारी रेडी है, भिंडी आलू शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी। पनीर की सब्ज़ी इन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं की थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी रख देती हूँ, तो ये भी टेस्ट कर लेंगे। और साथ में हमारे पास है ठंडी ठंडी लस्सी। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।